फार्म हाउस पर 400 कंडोम मिला है, 400 500 कंडोम मिला है, अनयूज यूज को तो छोड़ दी। 18 साल की लड़की को बदनाम कर दिया, सुनो ये गलत बात है ना। भारत माँ कांग्रेस में सवाल क्यों नहीं उठाता? अरे बेशर्मो सुनो, भारत की मिट्टी हम भी रख रहे हैं, उसी मिट्टी पे आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बताइए। ए लबरई कर रहे हो आप, लबरई कर रहे हो भाजपा के लिए, पुई पुई नहीं करते आप। अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, तो आपको भी आईटीडीसी में चेयरमैन बनाया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। कब तक राम और कृष्ण के नाम पर आपके नेता हिंद देश के बहन बेटियों का जिस्म फरोसी का धंधा करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसको शर्म करो, राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लो, ये बेशर्म लो। अब ये चूड़ियों की जरूरत स्मृति ईरानी जी आपको है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? स्मृति ईरानी की बेटी का जो बार है वो अवैध है, किसी और के नाम पे लाइसेंस था, जो आदमी मर चुका है उसके नाम से वो लाइसेंस रिन्यू करवाया गया, चलाया गया। देखिए ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। स्मृति ईरानी की बेटी का जो इंस्टाग्राम पर आप देखिएगा वो डिलीट क्यों किया, आप सवाल बताइए कि जब तक अगर ये चोर के दारी में तिनका वाली बात है, जब था नहीं तो साक्ष्य मिटाने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, स्मृति ईरानी पीसी करके कहती हैं हमारी बेटी अभी 18 साल की है, छोटी सी बच्ची है, तो पिछले साल 25 तारीख को जिस भल्ला साहब को के साथ में सगाई हुई थी, क्या आपने नाबालिग रहते सगाई कराई थी? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, स्मृति ईरानी जी जिस नैतिकता की बात करती हैं, बात बात में चूड़ियां लेकर घूमा करती थी, इज्जतदार आदमी पर कीचड़ उछालना बिल्कुल आसान होता है। मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजने की बात कहती थी स्मृति ईरानी जी, मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री न देश को मिला है, न मिलेगा, न मिला है। मनमोहन सिंह जी वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को बनाया, आज भारत की अर्थव्यवस्था नाइजीरिया से भी गया गुजरा है, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, हमारा रुपया भूटान से पीछे हो गया। स्मृति ईरानी जी को चूड़ियां नहीं नजर आ रही है, अब ये चूड़ियों की जरूरत स्मृति ईरानी जी आपको है या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? यह सवाल है। सबसे बड़ा बात, आपने देखा होगा अभी बुंदेलखंड की सड़क की बात हो रही थी, बुंदेलखंड की सड़क 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ वो ध्वस्त हो गया। बिहार में आपने देखा होगा हवा के झोंके में ध्वस्त हो गया। आज अभी अभी की घटना है कि मध्य प्रदेश में जैसे मानो वो कागज का पुल बना हो, रुई का पुल बना हो, बारिश की 4-5 बूंद गिरने से ही भोपाल में जो सर्विस पुल बना था वो ध्वस्त हो गया। आपदा है ये, तो क्या आपदा है? जो बाढ़ से जो सड़कें खराब होनी है, पुल गिर रहे हैं। 135 करोड़ आवाम पर के पेट पर लात अंबानी अडानी को सौगात दीजिएगा तो आपको देना नजर आएगा। सवाल ये है कि आप कांग्रेसी उसकी बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इसमें बेटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? ये तो कांग्रेस पार्टी में जाके पूछिए, देश पूछता है, देश का हर नागरिक पूछता है कि गोवा में हुआ बार किसका है? मुंबई निवासी पार्लियामेंट जिनकी मौत हो चुकी है उसके नाम का फर्जी दस्तखत करने पर 420 का केस यहाँ भी बनता है, मृत आदमी के जो प्रमाण पत्र देकर वो भी केस बनता है, ये सब जानते हैं आप? वो कह रही है बार था ही नहीं हमारे पास, तो उस बार को सील करवा दीजिए। वो तो खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया? आज भी कोशिश की गई, बार बार कोशिश की जा रही है कि बार को ढकने का। आपको नहीं पता है किसके जमीन पर है, कहाँ है? ऐसा ही हुआ था अडानी के पोर्ट पर, हेरोइन पकड़ा गया तो है ही नहीं। शाहरुख खान के बेटा चूंकि कोडियल क्रूज जहाज पर था तब फंसाने की कोशिश किए, 52 ग्राम गांजा पर रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहे थे। तो ये सवाल तमाम तरह की बातें पूछी जाती है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह बताना होगा कि आखिर सारे कुकर्मी भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों नजर आते हैं? हथियारों का सप्लायर तारिक भारतीय जनता पार्टी में, आप देखिएगा पमूला गोस्वामी कोकिन के साथ धरी जाती है वो भारतीय जनता पार्टी में, अमरनाथ पर हमला करने की साजिश रचने वाला तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी आईटी और सोशल मीडिया का प्रभारी। अब सवाल उठता है भारत की खुफिया जानकारी देने वाला ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड भारतीय जनता पार्टी का, मेघालय में बनाड नाम का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चलाता है, बेस्याला चलाता है, जो नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार का धंधा करता है वो भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम और कृष्ण की, राम और कृष्ण कभी नहीं कह सकते ये बात। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कुकर्मी लोग हैं, ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म में देह व्यापार का धंधा करना वर्जित है। कहां लिखा हुआ है? वो तो रेस्टोरेंट। अरे भैया
मेघालय में बनाड के रिपू बैंक फार्म हाउस पर 400 कंडोम मिला है, 400 500 कंडोम मिला है अनयूज्ड, यूज को तो छोड़ दीजिए। अब सवाल है जो 6 बच्चियों को बरामद किया गया है, छुड़ाया गया है, वो नाबालिग है। नरेंद्र मोदी जी, कब तक राम और कृष्ण के नाम पर आपके नेता हिंद देश के पहली बेटियों का जिस्म फरोसी का धंधा करेगा? अरे भारतीय जनता पार्टी के नामर्द नपुंसको, शर्म करो। राम के नाम पर देह व्यापार का धंधा चलाने वाला ये भारतीय जनता पार्टी का लोग, ये बेशर्म लोग, ये हथियारों का सप्लायर लोग, ये लोग देशद्रोही लोग, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ये लोग कमीशन खोर लोग, सड़क बनाने में कमीशन खाने वाले लोग, पुल में कमीशन खाने वाले लोग, अंबानी अडानी से कमीशन खाने वाले लोग, कपिल बदवा जैसे डीएसएफएल का जो 34,500 करोड़ रुपए बेईमानी करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी कमीशन खाने वाले लोग, देश को गर्त में ढकेल कर कमीशन खाने वाले लोग, अपना कार्यालय बनाने वाले लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। पर जनता प्यार कर रही है, देखिए कोई जनता प्यार नहीं करती। तो फिर वोट से प्यार और प्यार किसकर प्यार आप करते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। और चुनाव आयोग 20 लाख ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को चोरी होने के नाम पर दे रखी है, और उसी ईवीएम का खेल है। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ड काउंसिलर का चुनाव जीत जाए तो फिर क्या देना। एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा है? काहे भैया, काहे कि वहां हेरा फेरी नहीं हो सकता है? आप ईवीएम से काहे न कराते वहां? आप तो सारे गणमान्य लोग वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति में, जीतते फिर भी वही है। देखे 20 लाख ईवीएम हेरा फेरी करते हैं, बैलेट पेपर राष्ट्रपति वाला चुनाव भी वही जीत रहे। देखिए वो जीते हैं कि ईडी जीता है? अब एक नाथ शिंदे पर, भावना गबली पर ईडी की कार्रवाई होगी, अब नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सो असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब शुभेंदु अधिकारी, जो गरीब आदमी पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों ने उन बैंकों के शारदा नारदा जैसे बैंकों को खाकर शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राम और कृष्ण नहीं कह सकते कि गरीबों ने जो 2 रुपया 4 रुपया जमा किया वो आपका नेता डकार जाए। अब शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा? आप निकम्मा है, निठल्ला है। 2014 से पहले आप जानते थे कि मोदी जी कोई नेता है? बताइए आप। आप जानते थे? देखिए देखिए, अरे सुने ना, हुए बेटा काबिल हमारे बिहार में कहा जाता है। आप माँ के पेट से सीख के पत्रकारिता आए थे क्या? आप जर्नलिज्म का कोर्स करके पैदा लिए थे क्या? कोई ड्राइवर बनता है तो आकर धरती पर सीखता है? पूरा देश काबिल है, अगर नाकाबिल है, बुजदिल है, तो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इतनी खामियां हैं, सब परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, तो फिर बदल क्यों नहीं रही है? बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन लोकतंत्र का बलात्कार करने वाले, चीरहरण करने वाले, आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। आप उस समय सवाल नहीं पूछते कि आखिर उसी गुजरात में बार बार ड्रग्स की खेप क्यों पकड़ी जाती है? आखिर उसी गुजरात में स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट के छापने की मशीन और 2000 के नोट क्यों बरामद होता है? आप ये सवाल ही नहीं सर, वही फिर सवाल आ गया ना। अगर बीजेपी से पूछो तो वो कहती है हमें तो जनता चुन रही है, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें नकार देगी। संबित पात्रा यही कहते हैं टीवी पर बैठकर। संबित पात्रा, आप जानते नहीं संबित पात्रा कौन है? अरे गोबर पात्रा बोले पुई पुई पुई। ये काम करने के लिए एक डॉक्टर इलाज करेगा। अब इलाज क्या किया था 12 हिंदू राव में एक महिला के साथ, क्या किया था आपको नहीं पता है? आप आखिर देखिए बताइए, वो लुटेरे लोग हैं, आखिर उनको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कौन सा मेहनत कर रहा है? मैं पूछता हूँ यार, सोचने वाली बात क्या है? आपको आईटीडीसी में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप भारत की भाजपा के लिए पुई पुई नहीं करते। आप अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, आपको भी आईटीडीसी में चेयरमैन बनाया जाता, आपको भी ओएनजीसी में डायरेक्टर बनाया जाता। किसी तो क्वालिटी है ना, किसी ने किसी को तो बनाते ही, किसको बनाइएगा? किसी ने किसी को तो बना दे, सुनो आपको बना दे ना, वही तो चाहते हैं। आज बहुत दिन से विरोध कर रहा बीजेपी का। ए, लुम लुम सुनो, लग रहा काफी टाइम से फंडिंग नहीं हुई है। खौर भय से खौर खाए, बैठल बकरी अचार खाए। जितना पैसा अडानी का माफ कर दिया गया, आप बताओ उतने पैसे से किसान के लिए इनके पास पैसा नहीं, मजदूरों को घर भेजने के लिए पैसा नहीं, छात्र नौजवानों के लिए पैसा नहीं, सेना के जवानों के लिए इनके पास पैसा नहीं, देश के किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं, सिर्फ अडानी के लिए। बीजेपी का विरोध करते हैं, कांग्रेस अभी 18 साल की लड़की को, 18 साल की लड़की को बदनाम कर दिया। ये गलत बात है ना, भारत में कांग्रेस में सवाल क्यों नहीं उठाता? अरे बेशर्मो सुनो, भारत की मिट्टी हम भी रख रहे हैं, उसी मिट्टी पे आप भी खड़े, हम भी खड़े, बताइए। ए लबरई कर रहे हो आप, लबरई की मिट्टी है, इसका कसम खाओ, पाके कुरान की कसम खाओ। क्या आप बताओ कि अडानी को जितने पैसे माफ कर दिए गए, सिर्फ अडानी को उतने पैसे अगर देश में दे दिए जाते हैं तो देश में ये बेरोजगारी होती क्या, महंगाई होता क्या, लोगों के पास पैसे होते, मार्केट का सर्कुलेशन होता। मुद्दे पे आइए ना, कहां घुमा रहे हैं।